हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टोपस फ्रेंड चैनल में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो है वीडियो को शेयर करें। और इसके बाद जो है अगर जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जो है एक बेल आइकन मिलेगा, वहाँ पर प्रेस ज़रूर करें। उससे क्या होगा कि जो भी हम नई वीडियो डालेंगे वो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जिन भी बच्चों को जो है हरियाणा एग्जाम की तैयारी के लिए कंप्लीट मॉक टेस्ट चाहिए था, उन्हें जो है हम एक ऐप बता रहे हैं जहां पे जाके जो है आप टेस्ट सीरीज खरीद सकती हैं। तो ये है परीक्षा ऐप, जहां पे आपको हरियाणा के जो भी पेपर होंगे, चाहे पटवारी हो, पुलिस हो, हर एक के लिए जो है मॉक टेस्ट मिलेंगे। और ये मॉक टेस्ट जो होंगे वो नए पैटर्न पर आधारित होंगे, ओके। जब आप इन टेस्ट सीरीज को खरीदेंगे तो वो आपको 250 में मिलेगा, लेकिन जब आप हमारा जो यूज कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कोड यूज करेंगे टॉपर्स 40, तो आपको इस पे 40% ऑफ मिलेगा। फिर आपको ये 250 के बजाय जो है 149 में अवेलेबल हो जाएंगे, जिसपे आपको 101 रुपए की जो है छूट मिल जाएगी, ओके। ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, ओके। तो ये एग्जाम हुए थे 2018 में, जेई के अप्रैल 2018 में, तो उसमें पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं, देखिए क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, परंतु नकद पर जो है 10% की छूट देता है, तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत कितना होगा, ओके। लागत मूल्य कौन सा हो जाएगा, जो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य हम मानते हैं 100%, ठीक है, 100% था उसका लागत मूल्य, लेकिन वो उस सामान पर जो 20% अधिक अंकित करना है, यानी कह सकते हैं कि कोई चीज जो थी वो 100 रुपए की थी और वो उस पर अंकित कर रहा है 120 रुपए, फिर उस पर जो है वो छूट भी दे रहा है 10% की, लेकिन छूट किस पे देगा, जो अंकित होगा उसी पे तो छूट देगा, तो 120 का 10% कितना हो जाएगा, 120 का 10% होगा 12, यानी कि वो 12% की छूट दे रहा है, या 12 रुपए की कह लीजिए, जो हमने रुपए मान के किया, तो 120 में से हम 12 माइनस कर देते हैं, तो 120 में से 12 माइनस किया तो ये आ गया 108। तो अब देखिए, 100% की कोई चीज थी, उस पर मेंशन था 120% छूट देने के बाद उसे बेच 108 उसमें भी दिया, तो इसने पूछा कि उसका लाभ प्रतिशत कितना था। अब देखिए, 100 में कोई चीज थी और उसे बेच 108 में दिया, तो कितने प्रतिशत का लाभ हो गया, 8% का लाभ हो गया, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा कि उसे 8% का जो है लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पे शुद्ध लाभ पूछा है, तो वही बताएंगे 100% से कितना हुआ है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से है ये, यदि 3 पुरुष अथवा 5 महिलाएं किसी खेत को 43 दिन में काट सकते हैं, तो 5 पुरुष और 6 महिलाएं जो है इसकी कटाई करने में कितना समय लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, शुरू में क्या दिया, 3 पुरुष अथवा 5 महिलाएं, यानी कि किसी खेत को कट करने में 3 पुरुष भी जो है 43 दिन लगाते हैं और 5 महिलाएं भी जो है वो 43 डेज लेती हैं, तो 3 भी 43 दिन लेते हैं और 5 महिलाएं भी 43 दिन लेती है, तो हम क्या कह सकते हैं कि 3 मैन जो है वो कितने के बराबर है, 5 वुमेन के बराबर है, क्योंकि दोनों का काम जो है वो इक्वल है, ओके। तो यहाँ पे हमें निकालना है 5 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो इसे हम क्या करेंगे, या तो पुरुष पुरुष में चेंज कर लीजिए महिलाओं को भी कितने के बराबर आएंगे, या फिर महिलाओं में चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो हम जो है सारी जो है महिलाएं में चेंज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि 5 पुरुष जो है वो कितनी महिलाओं के बराबर होंगे, जब हमें पता है 3 मैन जो है वो 5 वुमेन के बराबर है, तो 5 पुरुष भी तो निकाल सकते हैं कि वो कितने के बराबर होंगे, तो पहले हम 1 मैन का निकालेंगे, तो 1 मैन कितने के बराबर हो जाएगा, 5/3 वुमेन के, तो 5 पुरुष कितने के बराबर हो जाएंगे, 25/3 वुमेन के, ओके। तो ये 5 पुरुष जो है वो 25/3 महिलाओं के बराबर आ चुके हैं, तो यहां लिख लेती हूं मैं इसको, 25/3 + 6, अब ये बताना है कि ये मिलकर कितने दिन में काम करेंगी, तो इनको एक बार एलसीएम ले लेते हैं इसका, 3 25+18 ये हो जाएगा 8 5 13, 1 2 3 और 1 4, 43/3 आ जाएगा, ओके। इसकी जो वैल्यू आएगी वो 43/3 आएगी, ये याद रखिए, ओके। तो फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, फिर इसमें जो है वो एमडी बच वाला फॉर्मूला लगाइए कि 5 महिलाएं जो है एक काम को इतने दिन में करती हैं, तो इतने दिन में कितने दिन में करेंगी, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे, क्योंकि हमने महिलाओं में किया है इसको पूरा चेंज, तो महिलाओं का काम लिखेंगे कि 5 महिलाएं एक काम को 43 दिन में करती हैं, तो 43/3 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगी, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा 5 × 43 × 3,
43 इधर आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क उधर रह जाएगा, यहाँ से 43 से 40 कट, तो ये हो जाएगा 5 से 15 दिन में जो है 5 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर कटाई कर लेंगे। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे 15 डेज आ जाएगा। तो जब भी कुछ इस तरीके का आए तो हमें एक में बनाना पड़ेगा, या तो महिलाओं को बना लीजिए, या तो मींस या तो पुरुषों को महिलाओं में चेंज कर लीजिए, या महिलाओं को पुरुषों में चेंज कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सोने का कंगन 20% हानि के साथ ₹14,500 में बेचा जाता है, तो सोने के कंगन की खरीद कीमत क्या होगी? हमें पता है खरीद कीमत हम मानते हैं 100%, ठीक है, इस 100% की वैल्यू निकालनी है हमें, और ये 20% हानि पर बेचा गया है, तो 20% हानि मीन्स 80% में बेचा गया है, और 80% की वैल्यू है ₹14,500। एक की निकाल सकते हैं, 80 इसके नीचे आ जाएगा, और हमें निकालनी है 100 की, तो गुना 100 हो जाएगा, यहाँ पे जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए और फिर से कट कर लीजिए। ओके, 4 × 2 = 8 और ये 25 हो जाएगा, और ये 2 × 3 = 14, 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10, 725 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ₹18,125। ओके, तो उसकी जो खरीद कीमत होगी वो होगी 18,125। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है तो उस संख्या का 3/10 भाग बताना है। अब देखिए, किसी संख्या, कोई भी संख्या हम मान लेते x, उसका 1/4 और फिर उसका भी 1/3 कितने के बराबर दे दिया, 15 के, तो उस संख्या का 3/10। तो पहले हमें यहाँ पे संख्या पता होनी चाहिए, संख्या पता होनी चाहिए मीन्स x की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, 4 और 3 यहाँ पे डिवाइड में उस तरफ मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 15 × 60 = 180, x की वैल्यू 180 आ गई। अब 180 का जो है 3/10 पार्ट निकालेंगे हम, तो ये कट जाएगा 18 × 3 = 54, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 3/10 भाग कितना निकल जाएगा, 54 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, ए किसी काम के 1/3 को 5 दिनों में और बी किसी काम के 2/5 को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए और बी मिलकर यह काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ओके, देखिए, ए कह रहा है कि किसी काम के 1/3 को, 1/3 काम जब वो 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा एक काम कितने दिन में कर लेगा? ये 3 को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 15 दिन में, मीन्स वो पूरा काम जो है 15 दिन में फिनिश कर लेगा ए। फिर इसी तरह हम बी का निकालते हैं कि बी जो है 2/5 काम को 10 दिनों में करता है, तो पूरा एक काम कितने दिन में हो जाएगा, 10 × 5/2, ठीक है, 2 × 5 = 10, 25 दिन में, यानी कि ए जो है उस काम को पूरा कंप्लीट कर लेगा 15 में और बी पूरा कर लेगा 25 में, तो अब बताना कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो अब 15 × 25 निकल गया, यहां निकाल लेती, यहां रख लेती हूं मैं पहले, ए की वैल्यू 15 आ गई, बी की 25 आ गया, अब दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये निकालना है हमें। ठीक है, तो फिर वही एलसीएम वाला लगाएंगे फॉर्मूला जो हम लगाते हैं हर एक क्वेश्चन में, 15 × 25 इनका एलसीएम आ जाएगा 75, 15 × 5 = 75 और 25 × 50 = 75। ठीक है, तो 75 टोटल वर्क ऊपर और टोटल एफिशिएंसी नीचे आ जाएगी, 5 और 3 = 8, यहाँ से कट कर लीजिए, 8 × 9 = 72, 3 और 9 = 3/8, ठीक है, तो 9 और 3/8 दिन जो है उसे लग जाएंगे ये काम पूरा करने में। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल का मूल्य ₹10 से बढ़ाकर ₹12.50 प्रति केजी कर दिया गया है, तो मूल्य में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। कह रहा है कि चावल का मूल्य जो था वो ₹10 था और ये 10 से बढ़कर 12.50 हो गया, तो कितने रुपए बढ़ा, ₹2.5 बढ़ा है, ₹2.5 कितने में से बढ़ा है, 10 में बढ़ा है ना ₹2.5, तो 10 को नीचे रखिए और गुना 100 कर दीजिए क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। ये पॉइंट के बाद जो 50 है इसका हम 100 लगा लेते हैं नीचे, ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 10 जीरो से जीरो, तो कितना बचा, 25% की वृद्धि हो गई मूल्य में। ओके, आप इससे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, 10 का मतलब कोई भी निकाल लीजिए, जैसे हम जैसे पहले 10 का 30% निकाल लेते हैं, 10 का हमने 30% निकाला, 10 का 30% कितना आया, 3 आया, यानी कि 10 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो वैल्यू 13 आएगी, लेकिन वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ₹12.50 आनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 30 से कम वाले का निकालेंगे, 10 का 25% निकालेंगे, जब हमने 25% निकाला तो ये हो गया 25 × 100 और यहाँ से कट करने के बाद 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 20, ₹2.50 आया, तो 10 में जब 2.5
मिलाएंगे तो कितना होगा, 12.5 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25% की वृद्धि हुई। तो ऑप्शन के साथ भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको समझ आए आप वैसे कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या से घटाई जाती है तो शेष क्या होगा। देखिए, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या कौन सी होगी, पहले तो ये बतानी चाहिए। तो सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या होगी 9, 9, 9, क्योंकि जब हम इसमें एक और बढ़ा देंगे, +1 अगर हमने कर दिया तो ये संख्या आ जाएगी 1000 और ये संख्या हो जाएगी 4 अंकों की। तो सबसे बड़ी जो 3 अंकों की संख्या होगी वो होगी 999, ठीक है। फिर कह रहा है सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या से घटाई जाती है तो शेष क्या है। तो 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी, क्योंकि इससे अगली क्या होगी, इससे पिछली होगी जो, वो होगी 999, ये होगी, ठीक है। लेकिन ये 4 अंकों की है तो इससे अगली ये होगी सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की, इससे आगे अगर हम एक लेते यहाँ पे तो वो इससे बड़ी हो जाती, इसीलिए 10,000 जो है वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है हो जाएगी। उसमें से जो है बड़ी 3 अंकों की जो संख्या है उसे घटाना है, तो ये कर लीजिए, 10 में से 9 गया 1, 0, 0 और यहाँ पे 9, तो 9001 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है सही होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, ए हाईवे पर 72 किलोमीटर पर आवर घंटे में सफर कर रहा है जबकि बी 25 मीटर पर सेकंड की गति से सफर करता है, तो उनकी चाल में अंतर बताना है, लेकिन किस में, ये याद रखिए मीटर पर सेकंड में बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 72 को जो है मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, फिर ही पता चलेगा कि अंतर कितना है। तो 72 को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से, तो हो जाएगा 18 × 72, तो ये आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड और उसकी थी 25 मीटर पर सेकंड, तो कितना डिफरेंस आ गया, 5 मीटर पर सेकंड का जो है डिफरेंस आ जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर बनाए गए वर्ग से अनुपात क्या है, ये बताना है। ओके, देखिए एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग का हमें पता है चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम अगर एक को ए मानेंगे तो बाकी तीनों भी क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी, ठीक है। और हमें पता है कि यहां पे होता है 90 डिग्री का कोण हर एक पे। फिर कह रहा है उसके विकर्ण पर बनाए गए वर्ग, यानी कि उसके विकर्ण मान लीजिए ये है, तो विकर्ण पर बनाए गए वर्ग का मतलब है कि जो ये भुजा बनेगी उससे जो वर्ग बनाया जाएगा, मान लेते हैं हम ये भुजा जो थी वो 2 थी, तो उससे जो वर्ग बनेगा 2, 2, 2 करके उससे अनुपात बताना है। ये मत कर देना कि विकर्ण पर बनाया गया वर्ग पूछा है तो ऐसे विकर्ण लगा के और यहां पे कोई वर्ग बना के बताना है कि इसका और इसका अनुपात कितना हो जाएगा, तो ऐसा नहीं बोला है। ओके, सिर्फ जो विकर्ण से वर्ग बनेगा उसका अनुपात बताना, मींस हमें सिर्फ विकर्ण की वैल्यू चाहिए, कि क्योंकि दोनों विकर्ण की वैल्यू जो होती है वो समान ही होती है वर्ग में, तो हमें एक की पता चल जाएगी तो दूसरे की तो सेम ही रहेगी। ओके, एक मिनट, सॉरी, ओके, देखिए ये वर्ग हो गया, ठीक है। इस पर हमने देख लिया, मान लिया हमने कि इसकी वैल्यू हम a मान लेते हैं और इसके विकर्ण की निकालेंगे पहले। अब विकर्ण की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हमें पता है ये 90 है, ये 90 डिग्री है, तो ये एक समकोण की तरह बन गया, तो हम जो है पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकते हैं, हाइपोटेन्यूज को निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगी देखिए a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और रूट, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं हम 2a स्क्वायर, तो इस a स्क्वायर से ये कट जाएगा लेकिन रूट 2 ऐसे कैसे रहेगा, तो रूट 2a जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। जब इसका स्क्वायर बनाएंगे इस विकर्ण का तो सारी भुजाएं क्या आएंगी, रूट 2a ही आएंगी। ओके, तो फिर उनके वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताना, तो पहले हम इसका देखते हैं क्षेत्रफल, a भुजा जो है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, और अगर इस भुजा से हम कोई वर्ग बनाते हैं तो वो कितना हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल रूट 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे सोल्व करेंगे, a स्क्वायर ये 2a स्क्वायर, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 1/2, तो कितना रेशियो आ जाएगा, 1:2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त का व्यास उसकी परिधि से 105 सेंटीमीटर कम है तो वृत्त का व्यास बताना है कि कितना होगा। देखिए
मान लेते हैं उसकी परिधि जो है वो कितनी है, x है, ठीक है। परिधि जो है, परिधि को मान लिया हमने x, तो हम कह सकते हैं कि डायमीटर कितना हो जाएगा, परिधि से 105 कम तो x माइनस 105 हो जाएगा, ओके। x माइनस 105 जो है ये हो जाएगा, तो हम यहां से रेडियस भी तो निकाल सकते हैं, जब डायमीटर है तो रेडियस इसकी आधी होती है, तो x माइनस 105 बाई 2 लिख सकते हैं, ओके। तो अब हमें पता है कि वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है 2 पाई r, और यहां पे हमने परिधि को मान लिया है x, तो 2 पाई r इक्वल टू x रख देंगे, फिर वैल्यूज रखेंगे इनकी, 2 गुना 22 बटे 7, r की वैल्यूज जो है वो है x माइनस 105 बाई 2 इक्वल टू x है, ठीक है। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा जैसे, और ये 7 जो है इस तरफ चला जाएगा, 7 जो है इस तरफ चला जाएगा, ये 7x हो जाएगा, यहां पे करेंगे तो ये 22x माइनस 22 इंटू 105 हो जाएगा, ओके। 7x को इधर लेके आएंगे तो 22 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 15x, ठीक है, और ये उस तरफ चला जाएगा तो 22 इंटू 105। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे यहां, तो 15 इस तरफ आ जाएगा, यहां से कट कर लेंगे, ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 5 और 3 × 7 = 21, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 × 14 = 4, 7 × 14 = 15, 154 जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि परिधि जो है 154 निकल के आई है, क्योंकि परिधि को ही हमने x माना था, तो व्यास बताना है, तो व्यास जो है वो परिधि से 105 कम है, तो 105 को माइनस कर दीजिए, 14 में से 5 गई 9, ठीक है, यहाँ पे बचा 4, तो 49 सेंटीमीटर जो है वृत्त का व्यास आ जाएगा। अगर यहीं से वो रेडियस पूछता तो इसे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड और कर देते तो रेडियस भी निकल जाती, ओके। लेकिन व्यास पूछा है, डायमीटर पूछा है, तो 49 सेंटीमीटर जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है ये। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/3 जो है वो रेल द्वारा 60 किलोमीटर पर हावर से, अगला 1/3 बस द्वारा 30 किलोमीटर पर हावर से, तथा शेष जो है वो साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर पर हावर से पूरा करता है, तो उसकी संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल ज्ञात करने के लिए कोई अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, हमेशा याद रखिए एवरेज चाल हो या सिर्फ चाल पूछी गई हो तो वो हमेशा होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो ये लगा दीजिए एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, सिर्फ इतना ही फर्क होता है। तो देखिए, अब हमने देखा कि यहाँ टाइम तो कहीं पर भी नहीं है, लेकिन स्पीड तो जब ऑलरेडी दी हुई है और पूछी भी चाल गई है, तो हम क्या करेंगे, टाइम निकाल सकते हैं यहां से, ओके। तो डिस्टेंस लिखते हैं पहले हमें ऊपर, जैसे डिस्टेंस था 1/3 जो है वो 60 किलोमीटर पर हावर से, तो जब उसका टाइम निकालना होगा हमें नीचे, तो हम क्या लिखेंगे इसे, 1/3/60 लिखेंगे, ठीक है। सेम आगे करेंगे, 1/3 जो है वो बस के द्वारा, लेकिन टाइम नहीं पता तो टाइम फिर से निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे नीचे, 1/3/30 प्लस बाकी का कह रहा है वो शेष साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर पर हावर से। अब शेष कैसे निकालेंगे, जब हमें पता है पूरी यात्रा एक थी, उसका 1/3 + 1/3 कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, तो 1 − 2/3 निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 1/3 जो है वो शेष रह जाएगा, तो 1/3 जो है उसने किसके द्वारा पूरा किया, 10 किलोमीटर पर हावर से पूरा किया, ओके। ऊपर वाले को जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद 3 और ऊपर भी 3 हो जाएगा, तो ये तो पूरा 1 आ जाएगा, ये तो कंप्लीटली यहाँ पे 1 आ चुका है, ठीक है। तो इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है अब, क्योंकि ये जो एलसीएम लेने के बाद जो है यहाँ पे सोल्व होके कितना आ गया, 1 आ गया, ओके, ये 1 हो गया। अब हम नीचे को सोल्व करते हैं, सॉरी एक मिनट, नीचे वाला सोल्व करते हैं, तो ये 1/ कितना हो जाएगा, 3 × 60 कितना होगा, 180 प्लस 1/90 प्लस 1/30 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे नीचे, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 180 ही आएगा, ठीक है, 180 इसका एलसीएम आ गया, 180 से 180 रखिए, 1 रहेगा, 90 दूनी होता है तो 2 आ जाएगा, और 30 छिक होता है तो 6 आ जाएगा, ये 180 ऊपर चला जाएगा और नीचे बच जाएगा 6 × 8 = 9, तो यहां से कट होके 9 × 2 = 18 और 0, तो 20 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी एवरेज चाल निकल जाएगी, तो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ओके। अगर यहाँ पे ये दिया होता ना कि 1/3 रेल द्वारा जो है वो 5 मिनट में या 6 मिनट में, अगर यहाँ पे टाइम दिया होता ना तो हमें ये करने की जरूरत नहीं होती, फिर हम क्या करते, सीधा टाइम ही रख देते, लेकिन हमें यहाँ पे टाइम नहीं दिया है तो हम टाइम की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके ही तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू निकाली हमने ये,
और तभी हम जो है एवरेज स्पीड जो है निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। एक त्रिभुज की भुजाएं दी हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब हमने देखा कि 3, 4, 5 ये क्या बनते हैं, ट्रिपलेट बनते हैं। जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये ट्रिपलेट्स होते हैं हमारे, ठीक है, जिसमें 5 हमें पता होता है ये हाइपोटेन्यूज है। इसमें से 3 और 4 कोई भी मान लीजिए, वो फर्क नहीं पड़ता, चाहे बेस 4 ले लीजिए या बेस को जो है 3 ले लीजिए। ओके, लेकिन हाइपोटेन्यूज जो होता है वो बड़ा होता है, तो ये हमें पता था क्योंकि ये ट्रिपलेट्स हैं। ओके, तो हम सीधा क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस देख लीजिए 4 हो गया और हाइट कितना है 3 हो गया, तो यहां से कट कर दीजिए, ये हो जाएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें ये पता था कि ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड बन रही है, 3, 4, 5 जो ट्रिपलेट हमने पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री में, तो उससे पता चल गया कि ये समकोण त्रिभुज में आएगा। ओके, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हमें पता ना चले कि कौन सी वैल्यू जो है कहां पर आएगी, ठीक है, कि हम किसको जो है बेस हाइट माने, तब क्या करेंगे हम, तो देखिए तब के लिए जो फॉर्मूला है, जब हमें पता ही ना हो कि किस ट्रायंगल की बात हो रही, क्योंकि यहाँ पे किसी भी ट्रायंगल का नाम नहीं दिया गया है, तब कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। अभी तो हमें सिर्फ इतना पता था कि 3, 4, 5 ट्रिपलेट होते, तो हमने सीधा वो फॉर्मूला लगा दिया राइट एंगल ट्रायंगल वाला। लेकिन कई बार होता है, मान लीजिए यहाँ पे वो 6 दे देता, क्या ये तब ट्रिपलेट्स बन रही है, तब हम कैसे निकालते क्षेत्रफल, और हमें ये भी नहीं पता कि किस ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो सिंपल ट्रायंगल जो होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस रूट में S-A, S-B और S-C, ये फॉर्मूला होता है एक ट्रायंगल में। हम ये ले लेते हैं, अब की बार राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाते, सिर्फ सिंपल जो है एक ट्रायंगल बना लेते हैं जो कि विषम बाहु त्रिभुज मान लेते हैं, कि कोई भी भुजा जो है इसमें बराबर ही नहीं है। ओके, क्योंकि दिख भी रहा है कोई भी भुजा बराबर नहीं है, 3, 4, 5 है, ठीक है, लेकिन विषम बाहु त्रिभुज का फॉर्मूला मत लगाना, वो तभी लगेगा जब उसमें बोला जाएगा। ओके, तो सीधा सिंपल क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एस S-A, S-B और S-C। इसमें ये S क्या है, ये होता है सेमी पैरामीटर। एक पैरामीटर होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, जैसे 5 और 3 8 और 4 12, इसका पैरामीटर पूछे तो 12 आ गया, इसका सेमी पैरामीटर पूछे यानी कि आधा एरिया क्या होगा, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए 6 आ गया जैसे, ठीक है, तो 6 सेमी पैरामीटर निकल गया। यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए 6, A की वैल्यू हम 3 मान लेते हैं, 6-3 फिर 6-4 और 6-5, सोल्व करिए इन्हें, 6 में से 3 गया, 3 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, 6 18 2 36, 36 का स्क्वायर रूट 6, आंसर वही आ गया 6 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, तो अगर आपको पता है कि ये ट्रिपलेट्स बन रहे तो सीधा उससे कर लीजिए, अदरवाइज अगर नहीं पता चल रहा है तो इस वाले फॉर्मूले से कर लीजिए, एरिया निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। ए रेशो बी दिया है 7:9, बी रेशो सी जो है 15:17, तो ए रेशो सी बताना है। ओके, देखिए ए रेशो बी जो है वो 7:9 है, 9 और बी रेशो सी जो है वो 15:17 है। तो अब हमने देखा कि बी का रेशो तो जो है दोनों में अलग अलग दिया हो, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसे सेम बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, पहले ए को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इससे और फिर इसको इससे, तो 15 × 7 = 105, ठीक है, 15 × 9 कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45, 4 × 9 = 1, हाँ ठीक है, 145 आ जाएगा यहाँ पे, नहीं सॉरी एक मिनट, 135 आएगा, सॉरी 135 होगा। ओके, 17 × 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 163 हो जाएगा। ओके, तो ए बी और सी की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें बताना है सिर्फ ए रेशो सी, यानी कि 105 और 163 का रेशो बनता रहे हैं, तो इसे कट कर लेंगे, ये हो जाएगा 5 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, ये 35 और 3 × 5 = 15, एक मिनट क्या गड़बड़ हो गई, 1 मिनट, सॉरी यहाँ पे 153 आएगा, 17 × 153 होता है, ओके सॉरी, यहाँ पे 153 आएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15 और 3 × 1 = 3, तो 35:51 जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोबारा बता देती हूँ, इसमें गड़बड़ होगी पहले ही, देखिए ये देखिए, ये था 7:9
और यहाँ पे हमने रखा था 15:17। तो इसमें क्या करती हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ऐसे और फिर ऐसे, जब बी रेशो सी निकालना हो तो हो जाएगा 15 × 7 = 105, 15 × 135 और 17 × 153। ओके, लेकिन अब हमें रेशो बताना है सिर्फ ए और सी का, तो 105/153 कर दीजिए और फिर इसी से 3 से काट दीजिए, 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15 और ये जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 3, तो कितना रेशो आ जाएगा 35:51 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि एक संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो संख्या बतानी है। अब देखिए सीधा ऑप्शन से कर लेते हैं। अब देखिए 15 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो वो तो कितना आएगा, 225 आएगा, तो वैसे ही बड़ा हो गया 182 से, तो बचा सिर्फ 13, तो राइट आंसर 13 हो जाएगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 और फिर वो खुद एक संख्या 13 में जब उसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 9 × 3 = 12, 1 × 6 = 8 = 182, तो 182 आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। 15 का जब 225 है तो 26 और 91 का तो और भी ज्यादा आएगा, तो ये तो वैल्यू ऐसे ही नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% ज्यादा है, कक्षा में अगर 66 विद्यार्थी हैं और 4 लड़कियां जो है कक्षा में आती हैं, तो लड़कों से लड़कियों का अनुपात बताना है। अब देखिए हम मान लेते हैं लड़के हैं 100%, परसेंटेज को हमेशा 100% मान के करें, इजी हो जाएगा। अब लड़कियों की संख्या उनसे 20% ज्यादा है, तो हम क्या कह सकते हैं, लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 120%। लेकिन फिर कह रहा है कि टोटल 66 विद्यार्थी हैं, टोटल 66 विद्यार्थी हैं, लेकिन परसेंटेज में अगर हम बात करें तो टोटल कितने परसेंटेज हैं, 220%, यानी कि 220% की वैल्यू 66 है, 1% की कितनी हो जाएगी 66/220 हो जाएगी। अब हम जो है 100% की भी निकाल सकते हैं, 120 की भी, हम एक की निकाल लेंगे तो दूसरी की तो खुद ही निकल जाएगी, तो हम 100 की निकाल लेते हैं, तो गुना 100 कर देते हैं यहाँ पे। ओके, 11 × 66 = 11 × 2 = 22, ये हो जाएगा 2 × 5 = 30, 5 × 6 = 30 निकला। ओके, 30 जो है वो किसकी आई है, बॉयज की आई है, तो गर्ल्स की कितनी हो जाएगी, 66 में से 30 माइनस करेंगे तो कितनी बचेगी, 36 जो है वो गर्ल्स हो जाएंगी। फिर कह रहे हैं कि 4 लड़कियां और कक्षा में आती है, तो टोटल गर्ल्स कितनी होगी 40, लेकिन बॉयज कितने रहे 30 ही, तो अब देखिए कितना जो है रेशो हो जाएगा लड़कों से लड़कियों का, तो 3:4 जो है सही आंसर हो जाएगा, इतना रेशो हो जाएगा 3:4, डी ऑप्शन जो है सही होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, संख्या 28 और 42 का एलसीएम और एचसीएफ किस अनुपात में होगा, यानी कि पहले हम इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, फिर एचसीएफ और फिर दोनों का रेशो। अब 28 और 42 का एलसीएम कितना आएगा, 28 और 42 का एलसीएम आ जाएगा 84, निकाल भी सकते हैं यहाँ से ऐसे, 28 और 42, 2 × 2 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 2, 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 21, 3 × 2 = 6, 3 × 42 = 84, ओके 84 एलसीएम आ गया। फिर हम निकालते हैं एचसीएफ, एचसीएफ में क्या कीजिए, बड़ी संख्या अंदर कर रख लीजिए और 28 से कर दीजिए डिवाइड, 28 × 28 = 28, 12 में से 8 = 4 आ गया, 3 में से 2 = 1 आ गया, 28 से पूरा देखिए रिमाइंडर नहीं बचेगा बिल्कुल भी, 0 रिमाइंडर आएगा, तो वही एचसीएफ हो जाएगा, तो 14 यहाँ पे एचसीएफ, तो यहाँ पे 14 एचसीएफ आ गया, तो अभी से कट कर सकते हैं हम, 14 × 6 = 84 होता है, 6:1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, साधारण ब्याज पर कोई राशि है जो 20 वर्ष में दोगुनी होती है, तो ब्याज दर प्रति वर्ष क्या है। हम मान लेते हैं कि कोई भी राशि हमारे पास 1 रुपए है और वो दोगुनी हो गई, यानी कि 1 थी तो दोगुनी मतलब 2 रुपए होगी, वो कितने साल में, 20 साल में। ये प्रिंसिपल आ गया, ये टाइम आ गया, हमें रेट निकालना है, तो ब्याज भी तो पता चल जाएगा यहां से, ब्याज कितना होगा, ब्याज इसमें से माइनस कर दीजिए प्रिंसिपल को, तो 1 जो है ब्याज निकल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI = P×R×T/100। SI की वैल्यू यानी कि ब्याज कितना मिला, उसे 1 रुपए का मिला, प्रिंसिपल भी 1 रुपए था, रेट हमें निकालना है, टाइम जो था वो 20 साल था और बटे में 100 रख दीजिए, 100 इस तरफ आएगा, 20 इस तरफ आएगा और R उस तरफ रहेगा, देख लीजिए 5, रेट कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 वर्ष पहले A B से उम्र में आधा था, यदि उनकी उम्र का जो है वर्तमान उम्र का अनुपात इतना है, तो उनकी वर्तमान उम्र का कुल योग क्या होगा। 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है ये, तो
तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 10 वर्ष पहले की बात हो रही है। ए जो है वो बी से उम्र में आता था, हम मान लेते हैं बी की जो आयु थी वो एक्स थी, तो ए की कितनी हो जाएगी, एक्स बाय टू हो जाएगी। अब वर्तमान उम्र का अनुपात दे दिया, तो हम यहाँ पे प्रेजेंट एज लिख लेते हैं, इसका है 3x और इसका है 4x। ओके, तो हम क्या करते हैं, मतलब 3-4 मान लीजिए, एक्स मत मानिए इसमें, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इनमें 10-10 साल ऐड करके उसे 3/4 के जो है इक्वल रख देते हैं, तो x बाय 2 है और ये रेशियो में है जब ये वैल्यू, तो हम इसे क्या कर देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, फिर क्या करेंगे, इसमें जो है 10-10 ईयर जो है ऐड करेंगे, क्योंकि 10 वर्ष पहले का था ये और अब कितना है अनुपात, 3:4 है। तो फिर यहाँ पे इसे सॉल्व कर लीजिए, पहले तो ये हो जाएगा 10 × 20 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस 20 और नीचे जो है ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इनके साथ, 2x प्लस 20 और इक्वल टू 3/4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 4x प्लस 80, 6x प्लस 60, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, ये इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x और 60 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20, x इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, यानी कि 10 साल पहले की एज आई है b की 10, तो a की उस वक्त वैल्यू कितनी थी, 5 थी, तो अब 10 साल बाद कितनी हो जाएगी इसकी, इसकी 20 हो जाएगी और इसकी कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, तो इनका एडिशन पूछा है, तो 20 और 15 को ऐड करेंगे तो 35 वर्ष जो है कुल योग आ जाएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। तो इसको करने के दो तरीके हैं, पहले तो 50 जो संख्याएं हैं पहली 1 से लेकर 50 तक, उनका क्या निकाल लीजिए, सम निकाल लीजिए और फिर क्या कीजिए, उसको 50 से डिवाइड कर दीजिए, औसत निकल जाएगा। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, पहले सम संख्याएं मतलब सॉरी सम निकालते हैं 50 संख्याओं का, पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n n+1/2, ठीक है। तो 50 हो जाएगा n, n इक्वल टू 50 है यहाँ पे, तो 50 × 51/2 ये हो जाएगा 1275 आएगा, ठीक है। इसको कट करने के बाद 25, ओके। फिर हम क्या करेंगे, इसका औसत निकालेंगे, क्योंकि 50 संख्या ही थी तो इसे 50 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा मतलब इसको कट करेंगे, इसको कट करने के बाद जो है आंसर जो बचेगा वो आएगा 25.5, ठीक है। एक तो ये है, इसमें ऑप्शन गलत है, ये 25.15 लिखा है, लेकिन यहाँ पे 25.5 आएगा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा, एक तरीका तो है ये, या फिर इसमें जब भी आपसे प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे तो सीधा फार्मूला भी है, जो है सीधा क्या कर दीजिए, n+1/2 कर लीजिए, ये औसत निकालने का फॉर्मूला है प्राकृतिक संख्याओं की। तो n कितना था, 50 था, 50+1/2 ये हो जाएगा 51/2, इसको सॉल्व करेंगे तो भी आंसर यही आएगा, 2 × 4, 2 × 5 = 10 और 2 × 5 = 10, ठीक है। इजी यही है कि सीधा प्राकृतिक संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं, ये याद रख लीजिए, n+1/2 हो जाएगा, 25.5 जो है सही आंसर निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये थे मैथ्स के कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे, थैंक यू सो मच।